हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज नंदनी और आज मैं बनाने वाली टेस्टी मटर के समोसे। यस फ्रेंड, आज मैं बनाने वाली मटर के समोसे ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। मैं आपसे बोलूँगी कि आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। सो फ्रेंड, चलते हैं रेसिपी बनाने। मटर के समोसे बनाने के लिए हम लोग लेंगे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, अजवाइन, गरम मसाला, जीरा, अदरक का पेस्ट, धनिया और मैदा। सबसे पहले हम लोग पानी को उबाल लेंगे, फिर जो हमने मटर लिया है उसको इसमें डाल देंगे उबलने के लिए। मटर को हम लोग को अच्छे से उबालना है। मैंने मटर को करीब 4 से 5 मिनट तक उबाल लिया है। अभी मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। सबसे पहले हम लोग मैदा को ले लेंगे, इसमें मैं अजवाइन को डालूंगी। अजवाइन को आपको थोड़ा सा हाथों में मल लेना है, फिर डालना है। फिर मैं इसमें नमक को डाल दूंगी और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद मैं इसमें रिफाइंड डाल दूंगी और अच्छे से मिला लूंगी। मोयन को आपको अच्छे से मिला लेना है। अगर आपको समझना है तो आपको ऐसे मैदे को लेना है और ऐसे मुट्ठी बंद करना है। अगर ऐसे बन रहे हो तब ठीक है, अगर नहीं बन रहे हो तो आपको इसमें थोड़ा सा और रिफाइंड डालने की ज़रूरत है। अभी मैं इससे आटा लगा लूँगी। हम लोग का आटा ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होगा ना ही बहुत ज़्यादा नरम लगाना है आपको। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको आटे को गूंथना है। ऐसे ही आपको मैदे को अच्छे से गूंथ लेना है। मैंने मैदे को गूंथ लिया है। अभी मैं इसको ऐसे ही 20 मिनट तक छोड़ दूंगी। सबसे पहले हम लोग कढ़ाई में तेल को डाल देंगे। हम लोग का तेल गर्म हो चुका है। अभी मैं इसमें जीरा डाल दूंगी। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं जीरा डालना है, थोड़ा सा अजवाइन को डाल दूंगी। अदरक, अदरक का पेस्ट भी ले सकते हो या फिर आप कुटी हुई अदरक ले सकते हो। ऐसे इनको हम लोग भून लेंगे। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दूंगी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, स्वाद अनुसार नमक और इनको चला लेंगे। इनको आपको ज़्यादा नहीं भुनना है। अभी मैं उबले हुए मटर को डाल दूंगी और इनको चलाते हुए भून लेंगे। मटर को आपको थोड़ी थोड़ी देर पे ऐसे चला के भून लेना है। हम लोग का मटर भून चुका है। अभी मैं इसमें धनिया पत्ती को डाल दूंगी और थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। इसको चला के कुछ सेकेंड और भून लेंगे। हम लोग के मटर भून चुके हैं। अभी मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। मटर को हम लोग मैश कर लेंगे। अगर आपके पास मैश करने वाला हो तो आप उससे करिएगा, मेरे पास नहीं है तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ। हम लोग का आटा सेट हो चुका है। अभी इसको हम लोग एक बार और मिला लेंगे अच्छे से। अभी हम लोग इससे छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। ऐसे हम लोग छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। सबसे पहले हम लोग लोई को ले लेंगे और इससे से पेड़े जैसे बना लेंगे और इसमें सूखा मैदा लगा लेंगे और इसको बेल लेंगे। इसको आपको एकदम पतला बेलना है। ऐसे ही हम लोग बेल लेंगे और फिर इसको ऐसे बीच से काट लेंगे। ऐसे उठाएंगे, फिर इसके किनारों पे हम लोग ऐसे पानी को लगा देंगे और फिर इसको ऐसे बंद कर लेंगे। फिर मैंने जो मटर का भरावन तैयार किया है इसमें भर देंगे। ऐसे थोड़ा सा हम लोग भरावन को लेंगे और इसमें भर देंगे। थोड़ा सा ही भरना है आपको, ज़्यादा नहीं भरना है। फिर इसके किनारों पे हम लोग ऐसे पानी को लगा देंगे चारों तरफ अच्छे से
और इसको ऐसे हम लोग दबाते हुए बंद कर लेंगे। ऐसे ही बाकी के समोसे को हम लोग भर लेंगे। मैंने तेल को रख दिया गर्म होने के लिए। तेल को आपको मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है। हम लोग को जितना चाहिए, हम लोग का तेल गर्म हो चुका है। अभी मैं इसमें समोसे को डाल दूंगी तलने के लिए। और इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी कुछ सेकेंड के लिए। अभी मैं इसको पलट दूंगी। सेकेंड बाद आपको ऐसे इसको पलट के तल लेना है। इसको हम लोग फिर से पलट लेंगे। हम लोग को समोसे को गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है अच्छे से। जब आप समोसे को तलिएगा तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको गैस का फ्लेम ज़्यादा लग रहा हो तो आप उसको लो भी रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। हम लोग के समोसे दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन तल चुके हैं। अभी मैं इनको बाहर निकाल लूँगी और बाकी के समोसों को भी ऐसे ही तल लूँगी। हम लोग के समोसे तल चुके हैं। मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। आप देख सकते हो। तो फिर मेरे टेस्टी से मटर के समोसे बनके तैयार हो चुके हैं। मैं आपसे बोलूँगी कि आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियोज़ पर कमेंट करें। सो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड।